इस वीडियो में हम क्लास टेंथ चैप्टर देन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंडेक्स क्वेश्चंस देखेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से लिखने चाहिए मेनली हम वो देखेंगे। तो हम पेज नंबर 168 के क्वेश्चन वन को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो हमें कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं। ये रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो ये जो लाइंस हैं ये कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, जो कि है एफ। और ये पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज होती हैं, ये सारी रेज एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस पर। मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दिस पॉइंट is known as the principal focus of the concave mirror. Second question है, spherical mirror के curvature की radius है 20 centimeter. तो हमें focal length निकालनी है उसकी। तो देखिए, यहाँ पर radius दी है curvature की 20 centimeter. और हमें पता है कि अगर हमें curvature की radius क्या है? 2 into focal length, जिसको हमने f मान लिया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? r इज़ इक्वल टू 2 इंटू एफ। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि हमने इसको सॉल्व कैसे करा है। तो रेडियस इज इक्वल टू 2f। अब f की वैल्यू निकालनी है तो f क्या होगा? f इज़ इक्वल टू r अपॉन 2। देखिए क्वेश्चन में क्या था, स्फेरिकल मिरर के कर्वेचर की रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ यानी कि अभी f है यहाँ पर, तो f इज़ इक्वल टू r अपॉन 2। r क्या है? 20। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है f इज़ इक्वल टू 20 अपॉन 2। 2 और 20 को डिवाइड करेंगे यानी कि कट ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 10। यानी कि f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हेंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन स्फेरिकल मिरर इज़ 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा मिरर का नाम बताना है जो एक ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट और इनलार्ज कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इरेक्ट इमेज फॉर्म हो सकती है जब हम ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच रखते हैं, तो ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनाता है। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हीकल्स में हम कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के लिए क्यों प्रेफर करते हैं? व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर में प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये वाइडर फील्ड का व्यू देता है, जिसकी वजह से ड्राइवर अपने पीछे का ज़्यादा ट्रैफिक देख सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर को अपने पीछे के ज़्यादा एरिया का ट्रैफिक दिख पाता है कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करेंगे तो हम इसको लिखेंगे कैसे। कॉन्वेक्स मिरर गेव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। दे आर प्रेफर्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू विच अलाउज द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम।